मेरा नाम एयर मार्शल AK सिंह, मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहीं की मेरी पैदाइश है, वहीं से मैंने स्कूलिंग की। एक सेंट पीटर्स स्कूल है जिसमें मेरी पढ़ाई हुई। जब मैं 10th में था तब मैंने पढ़ के और सोच के अपने आप को एक डिसीजन में डाला, जिसकी वजह से मैं NDA के एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया। UPSC का इम्तहान होता था, दिल्ली में आके इम्तहान दिया। तब मेरी उम्र करीब रही होगी 15 साल 15.5 साल। उस एग्ज़ामिनेशन के बाद क्या ट्रेनिंग प्रतिक्रियाएं हुई और मैं एयर मार्शल बनने तक किस तरह की ट्रेनिंग के से गुज़र के और यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या आप समझते हैं ये आपके लिए वाजिब होगा करियर का ऑप्शन जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें फ़ायदे नुकसान तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से आपका जुनून क्या कहता है ये आपको देखना होगा। बेसिक क्वालिफिकेशन आज के समय में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो +2 होनी चाहिए। +2 के बाद आप अगर NDA के लिए ऑप्शन दे रहे हैं अपना, तो आप NDA में UPSC के एग्ज़ाम के लिए अपने पर्चे भरिए, और आपका जब कॉल सेंटर में से बताया जाता है कि आप फला फला जगह जाके अपना इम्तहान देंगे, तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, ये 5-6 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। उसमें आप उत्तीर्ण जब हो जाते हैं तो और उस समय आपका ये देखा जाता है कि आप कितने नंबरों से पास हुए हैं, तो कट ऑफ इस तरह से लिया जाता है कि 560 या 570 लोग सेलेक्ट होते हैं हर बैच में। 570 अगर आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपको एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये 3 सर्विसेज हैं जिनकी आपकी चॉइस, जो आपने चॉइस दी है उसके ऊपर निर्धारित रहता है कि आप कौन से सिलेक्शन सेंटर में भेजे जाएंगे। उसमें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो तीनों सर्विसेज का एक बोर्ड होता है। पर जब आप एयरफोर्स के लिए स्पेशलिस्ट अपने आप को मानते हैं कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपको हो सकता है वाराणसी भेज दिया जाए एयरफोर्स सिलेक्शन के लिए, देहरादून भेज दिया जाए या अलाहाबाद भेज दिया जाए, और भी 1-2 सेंटर्स हैं जहां आपको भेजा जा सकता है। 5 दिन का आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका जनरल सर्विस ट्रेनिंग, आपका रखरखाव, आपकी देखभाल, आपका जो भी तौर तरीका है, इसकी एक तरह से आंकलन किया जाता है कि आप एयरफोर्स के लिए फिट हैं या नहीं हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग में देखा जाता है, आपको कुछ टेस्ट दिए जाते हैं जिसमें आपकी मेंटल एजिलिटी, जिसमें ये पता किया जाता है कि आप मेंटली और अपने हाथ पैरों के साथ फिज़िकली मिला के दोनों डिसीशंस ले सकते हैं या नहीं। आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि एक परिस्थिति आपको बताई जाती है कि उसके ऊपर आप एक निबंध लिखिए या आप एक 3 या 4 पैराग्राफ का छोटा सा, कि आप क्या समझते हैं एक फ़ोटोग्राफ को देखकर और आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि नेचुरल रहिए, नॉर्मल रहिए, किसी की बताई या पढ़ाई हुई परिस्थिति में न जाके अपनी ही परिस्थिति के ऊपर आप उस पिक्चर को देखिए, क्योंकि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके ऊपर कर रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है, ये मान के आप चलिए, तो वो तुरंत ही भांप लेगा कि आपको किसी ने कोचिंग दी है, लिहाजा आप एक तरह के डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ये नहीं चाहती कि वो A या B या C तरह का बच्चा लिया जाए, वो ये चाहते हैं कि वो ये पता कर सकें आप किस तरह के हैं, A हो B हो C हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी एवरेज समझ होनी चाहिए, एवरेज आपकी फिज़िकल, जिसको हम कहते हैं भागने दौड़ने और बाकी उठने बैठने की क्षमता होनी चाहिए, एवरेज, ये एवरेज एक शब्द है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शनल नहीं होने की ज़रूरत है, ये नहीं चाहिए कि कोई बहुत ही तीरंदाज हो या तीर मारखा हो।
लिहाजा आप ये सोच के चलें कि आपको एक करियर बनाना है, और शुरू में आपकी बुनियाद किसी झूठ या किसी बनाए हुए या किसी सोचे हुए विचारधारा पे नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जब NDA ज्वाइन करते हैं तब आपको ऑप्शन देना पड़ता है कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो आपको कहा जाता है या एयरफोर्स कैडेट है या आर्मी कैडेट है नेवी कैडेट है। आप पहले 2 सालों के अंदर ये ऑप्शन बदल सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स कैडेट हैं, आप कहते हैं कि मुझे नहीं एयरफोर्स में जाना है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। नेवी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि नेवी की आपको टेक्निकल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो नेवी में जाने के लिए आपने शुरू में ही ऑप्ट करना चाहिए था कि मैं टेक्निकल पढ़ाई करूँगा, इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँगा, इसीलिए नेवी आपको सेलेक्ट करेगी। पर आप आर्मी में जा सकते हैं 4th टर्म तक। 5वां और 6ठा टर्म जब आपने एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए और आर्मी नेवी एयरफोर्स में अलग अलग जगह हैं आप, तो आप उस समय बदल नहीं सकते। आपका जब सिलेक्शन हो गया तो ये समझ लीजिए सब ज़ीरो पे हैं, जितने भी कैडेट्स हैं सब ज़ीरो पे रहते हैं, और वहाँ से कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि सिलेक्शन के टाइम में आपने कितने मार्क्स लिए या आपके पास कितना वेटेज था जब आप आए। अब इस समय आप सब बराबर हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए पर्याप्त है। अगर आपने नेवी की चॉइस ली है और नेवी में उतनी वैकेंसी है, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आप नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, आप टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन अगर आपने नेवी की चॉइस नहीं दी है, तो लिहाजा आपने अपने मन में सोच लिया है कि मैं टेक्निकल कैडेट नहीं बनना चाहता, और आप अगर टेक्निकल कैडेट नहीं बनना चाहते हैं, तो आप आर्मी और एयरफोर्स में ही जा सकते हैं। ये जब टेस्ट से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो आपको फिर, आपने मान लीजिए एयरफोर्स चॉइस दी है, तो आपको एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एक संस्था है हमारी पूना में, वहाँ आपको भेजा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके दौरान आप दोनों ही चीज़ें करते हैं, एकेडमिक्स भी पढ़ते हैं जो आप आम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, PT परेड, गेम्स, ये सब होती है, आउटडोर एक्टिविटी। आप अगर घोड़े चलाना चाहते हैं तो घुड़सवारी करिए, आप गोल्फ़ खेलना चाहते हैं गोल्फ़ खेलिए, फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं फ़ोटो क्लब ज्वाइन कर लीजिए, इस वगैरह वगैरह काफ़ी 15-20 क्लब्स आपको मिलते हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क है ये सब, आपकी कोई ख़र्चा नहीं होता है। आपके पेरेंट्स सिर्फ महज आपको 40 रुपये महीना देते हैं, ताकि आप अपना टूथपेस्ट वगैरह खरीद सकें। ये इसलिए किया गया है कि सब जितने भी वहाँ कैंडिडेट्स हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब एक ही बराबर, एक समान। एक बहुत अहम चीज़ याद रखने वाली है कि देखिए, हर कोई जो ज्वाइन करना चाहता है, अंदर से जिज्ञासा है उसमें कि वो एक करियर बनाए, उसको अच्छी तनख्वाहें मिली, अच्छी इज्जत मिले, और उसका नाम हो, उसकी फैमिली का नाम हो, उसके माँ बाप का नाम हो, यही सब। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यही सब थॉट प्रोसेस मेरे मन में भी रही थी जब मैं ज्वाइन करने आया था। आज की बात नहीं है, 62-63 की बात है, लिहाजा आपसे काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अभी भी ट्रेनिंग प्रोसीजर और ट्रेनिंग फेसेस में कोई चेंज नहीं आया, फैसेट्स वही हैं जो तब थे वो अब है। NDA में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 साल, जब आप कंप्लीट 2 साल कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ से ट्रेनिंग अलग अलग हो जाती है। वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी, जब आर्मी बताती है कि हमें इतने कैंडिडेट चाहिए, पर आप रोज़ ही अखबार में पढ़ते हैं कि एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों में इस वक्त ऑफिसर्स की वैकेंसी है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑफिसर्स नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। लिहाजा ये एक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, सभी लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। पर इसमें होता यही है कि एयरफोर्स में करीब 150 वैकेंसीज होती हैं, बढ़ा देते हैं कभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, 170 हो सकती हैं, 190 हो सकती हैं। आर्मी में 300 के करीब वैकेंसी होती हैं, और नेवी में भी 100 के आसपास की वैकेंसीज होती हैं। तो आप जब हर छमाई का एक टाइम ट्रेनिंग का एक टर्म कहलाता है, इस तरह से आप NDA में 6 टर्म की ट्रेनिंग करते हैं।
चार टर्म के बाद आपको स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो आप एयरफोर्स कैडेट हो जाते हैं, आर्मी कैडेट हो जाते हैं और नेवी कैडेट हो जाते हैं। जब आप इन तीनों सर्विसेज के अलग अलग कैडेट हैं तो वहाँ बेसिक थोड़ी फ्लाइंग भी दी जाती है एयरफोर्स वाले को, नेवी वाले को नेवी की ट्रेनिंग दी जाती है और आर्मी वाले को आर्मी की ट्रेनिंग, टैंक्स वगैरह दिखाए जाते हैं, उनके बारे में सिखाया जाता है। और आपकी जो ग्राउंड ट्रेनिंग है, जो एकेडमिक्स हैं, वो भी अब कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है एयरफोर्स की ट्रेनिंग, जो एरोनॉटिकल सब्जेक्ट्स हैं, फ्लाइट रूल्स हैं, इन सब के ऊपर ट्रेनिंग होने लगती है। आर्मी के जो है, आर्मी के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग होने लगती है, नेवी वाले नेवी के सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं। एयरफोर्स के दौरान आप रेडार वगैरह पढ़ने लगते हैं जो आपने अमूमन अब तक नहीं पढ़े होंगे, तो लिहाजा आप, ताकि आपका जो आगे का सफ़र है एयरफोर्स में, आर्मी में और नेवी में, वो सुलभ हो जाए और आप आराम से उत्तीर्ण कर सकें, ये ट्रेनिंग पैटर्न होती है। सिक्स टर्म जब आप पास आउट होते हैं तो फिर आप अपनी अपनी अकेडमीज में चले जाते हैं। एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल है, वहाँ पे हर इंजीनियर्स भी आते हैं, CDS के कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कैडेट्स होते हैं, और NDA वाले भी जाते हैं, तो लिहाजा आप इकट्ठे होके एक कोर्स माना जाता है। मान लीजिए एक मैं नंबर दे दूँ कि ये 12वां कोर्स है या 13वां कोर्स है, अब हम सब, जैसे मेरा 97th कोर्स था एयरफोर्स का, तो हर जो भी आपको मिलेगा तो वो मुझे उसी से पहचानेगा, चाहे कहीं भी रहूँ मैं, 97th कोर्स के थे ये, तो उस तरह से हो जाता है। तो आप जब अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही आर्मी का, ऐसे ही नेवी का, कौन से कोर्स के हैं आप, सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक तो उससे कॉमराडरी बढ़ जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है कि हमने सब ने साथ साथ ट्रेनिंग की है। पर ट्रेनिंग अलग अलग दायरे में होती है, जो फ्लाइंग वाले हैं वो फ्लाइंग करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, और जो ग्राउंड ड्यूटीज़ के हैं वो ग्राउंड के एक्टिविटीज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं बहुत से, उसमें लॉय जैसे होते हैं, हमारे यहाँ लॉयर होते हैं जिनको हम जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के मेंबर्स मानते हैं, तो वगैरह वगैरह इस तरह की आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप जब NDA में 3 साल के बाद ये सब ट्रेनिंग करके, पढ़ाई करके ग्रेजुएट करते हैं, तो आपको BA BSc की डिग्री दी जाती है। अगर आप नेवी के लिए जा रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री दी जाती है, क्योंकि आपने टेक्निकल ब्रांच चूज़ की है, नेवी नॉन टेक्निकल नहीं लेता है। एयरफोर्स में आप नॉन टेक हो सकते हैं और आर्मी के लिए नॉन टेक हो सकते हैं। अगर आपने टेक्निकल सेलेक्ट किया है तो आप अभी नेक्स्ट स्टेप पे जो बताऊंगा, आप आर्मी में जाके वहाँ पे आप इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ और मास्टर प्राप्त करते हैं। ये तो रह गई बेसिक ट्रेनिंग की बात, इसके और भी तरीके हैं एयरफोर्स आर्मी नेवी में जाने के। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और आप फिर भी आपका इंटरेस्ट है इस तीनों सर्विसेज में, तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जिसको CDS बोलते हैं, उसमें अगर आप उत्तीर्ण हुए तो आपको सीधा NDA करने के बाद आप तीनों जगह अलग अलग जाते हैं। अगर आप आर्मी कैडेट हैं तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून जाएंगे, या आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मद्रास जाएंगे। नेवी के आप हैं तो आप INS वेंडुरुती हुआ करती थी कोचिन में, जो बदल के आप नेवल अकेडमी बन गई है एट्जीमाला में, साउथ में, आंध्रा में, तो वहाँ आप जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। अगर आप एयरफोर्स के कैडेट हैं तो आप एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद के पास है, वहाँ जाएंगे। तो ये तीन संस्थाएं हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगी, और यहीं से आप ग्रेजुएट होंगे। आप आर्मी में हैं तो सेकेंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, और आप नेवी में हैं तो सब लेफ्टिनेंट बनेंगे, और आप एयरफोर्स में हैं तो आप पायलट ऑफिसर बनते हैं। पहले ही साल ट्रेनिंग के बाद आपको तुरंत ये रैंकें मिल जाती हैं और आपको तनख्वाहें मिलने लगती हैं, बाकी ट्रेनिंग इसके बाद चलती है। देखिए, CDS में बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, लिहाजा अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप अपने फॉर्म भर के भेज दीजिएगा, और आपको ग्राउंड टेस्ट जिसको UPSC कंडक्ट करती है वो टेस्ट लिया जाता है। जब वो टेस्ट में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसके बाद कोई प्रोसीजर में डिफरेंस नहीं है, चाहे आप NDA के लिए जा रहे हैं या चाहे CDS के लिए,
क्योंकि उसके बाद फिर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं। अगर आपने पायलट्स के लिए अपना चॉइस दिया है तो आपका वही पीएबीटी टेस्ट किया जाएगा। अगर आप उत्तीर्ण हो गए तो आप चले जाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आपका मान लीजिए कोई सहपाठी था जो 12वीं में एनडीए में गया और आपने सोचा कि मैं 3 साल करने के बाद सीडीएस में जाऊंगा, तो आप उसी उसी के साथ फिर आगे चले जाएंगे, तो आपका कोई लॉस नहीं होता है सीडीएस में जाने से। लॉस इतना ही होता है कि अगर आप एनडीए में गए हैं तो आपको फ़ौज के तौर तरीके के बारे में मालूम हो जाता है और आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। एनडीए की ट्रेनिंग फ्री होती है हर तरह से, चाहे आप पढ़ाई की कहिए, चाहे आप राइफल चलाना कहिए, चाहे घोड़ा चलाना कहिए, वो आप अपने स्टूडेंट के करियर के दौरान नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इतना फ़र्क है, वैसे कोई फ़र्क नहीं है। सीडीएस का सिलेक्शन और एनडीए का सिलेक्शन बराबर होता है, वो ग्रेजुएट के बाद जाते हैं, ये 10+2 के बाद जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग कॉमन होती है दोनों के लिए। तो लिहाजा ये तो अलग अलग ट्रेनिंग की बात रही। अब इसमें ये आपको चूज़ करना है कि आप किस सर्विस में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। सबसे अहम बात, चाहे आप तीनों में से किसी के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम देने की, सबसे अहम बात यह है अपने आप को नॉर्मल समझिए और जो भी आपका सपना है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, उसको फॉलो करने के लिए आप पूरी पूरी ताकत लगा दीजिए। कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, मतलब मैं अपने आप को दोहराते हुए भी कहना नहीं भूलता हूँ, ये बताने के लिए कि आपको ये सोच के चलना चाहिए कि इन तीनों सर्विसेज में जो भी आता है एवरेज 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 चाहिए। लिहाजा आपको कोई भी डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तरह का ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग आपको ज़रूर बरगलाएंगे और कहेंगे कि आप फलाना जगह जाके सिविल में या मिलिट्री की कोई रिटायर्ड अफसर या ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले लीजिए। आप अगर नॉर्मल हैं, नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है तीनों सर्विसेज को, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे।